बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ सप्तमो अध्याय प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। व्यास जी श्रोतागणों से, सुत जी सोनकादि ऋषियों से, भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़ धनवा को बता रहे हैं कि वह सुदेव ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसके वचनों को सुनकर सच्चिदानंद भगवान विष्णु गंभीर वाणी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुमने जैसी तपस्या की है उस उग्र तपस्या के द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने के लिए मैंने तुझे दर्शन दिया है। अब तेरे मन में जो भी इच्छा हो वह मांग, मैं तेरी सभी इच्छाएं परिपूर्ण करूंगा। भगवान के वचनों को सुनकर ब्राह्मण सुदेव हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे दया के सागर, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक सुंदर सुपुत्र का वरदान दीजिए। मुझे पुत्र के सिवा कुछ नहीं चाहिए, पुत्र के बिना सारा संसार निरर्थक प्रतीत होता है। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, पुत्र के अलावा संसार की कोई भी वस्तु मांग ले, मैं तुझे राज्य धन संपदा सभी सुख दे सकता हूँ, परंतु पुत्र सुख नहीं दे सकता, कारण कि तेरे भाग्य में विधाता ने पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैंने तेरे ललाट में लिखी हुई सब बातें देख ली हैं, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के द्वारा वज्र के समान लगने वाले शब्दों को सुनकर अत्यंत दुखित होकर कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। पति की ऐसी अवस्था देखकर पत्नी गौतमी भी दुखित होकर रोने लगी। थोड़ी देर होते हुए उसने धैर्य धारण कर पति के समीप जाकर कहने लगी, हे प्राणनाथ, उठिए, व्यर्थ में दुख मत करिए। मैंने जो आपसे पहले कहा था उन शब्दों को याद करिए। मैंने कहा था कि भाग्य में विधाता ने जो सुख दुख लिख दिया है वही मनुष्य को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा ही मनुष्य सुख प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में भगवान भी क्या कर सकते हैं? जैसे मृत्यु के समीप जाने वाले मनुष्य को औषधि देना निष्फल होता है, वैसे अभागी मनुष्य के सारे कर्म निष्फल होते हैं। हमने सुना था कि यज्ञ, तप, दान और भगवान की आराधना से मनुष्य अपनी मनोकामना प्राप्त कर सकता है। ऐसी श्रुति पुराण आदि ग्रंथों से भी सुना गया है, परंतु आज हमको विश्वास हो गया कि भाग्य के सामने सब व्यर्थ हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष जुगनू का प्रकाश व्यर्थ होता है, इसलिए मेरी बातों पर विश्वास करके आप धैर्य धारण करिए और भाग्य के भरोसे अपना शेष जीवन बिताइए। अब हमको भगवान से कोई प्रयोजन नहीं है। गौतमी के ऐसे तीव्र और शोक युक्त वचनों को सुनकर गरुड़ जी भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महाप्रभु, यह ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए हैं। इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आपके सामने इनकी दयनीय अवस्था प्रकट है, फिर भी आप अपने भक्त पर दया क्यों नहीं करते? आप तो दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं। आज आपने अपनी कृपा त्याग कर इतनी कठोरता क्यों धारण की है? आपकी सेवा तो आपके भक्तों को चारों प्रकार की मुक्ति देने वाली है। आपके भक्तों के सामने अष्ट सिद्धि नवनिधि नौकरों के समान रहती है, फिर आप अपने भक्त की पुत्र इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं करते? यदि आपने इस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण नहीं की तो सांसारिक मनुष्य आपकी आराधना तपस्या करना छोड़कर भाग्य के इस भरोसे ही रहेंगे। सब लोग आपकी भक्ति से विमुख होकर भाग्य को प्रधानता देंगे। हे महाप्रभु, आपने गजेंद्र की रक्षा की तथा ध्रुव को अक्षय पद दिया, भक्त प्रहलाद को सर्वश्रेष्ठता दी, सारे संसार में आपकी दयालुता प्रसिद्ध है। यह ब्राह्मण आपकी शरण में है, फिर आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? इससे संसार में आपकी निंदा होगी। गरुड़ जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यदि तेरे मन में इस ब्राह्मण के प्रति दया उत्पन्न हो गई है तो मेरी आज्ञा से इसे पुत्र का वरदान 12 वर्ष का दे दे। भगवान के वचनों को सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, यद्यपि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, फिर भी मैं भगवान की आज्ञा से तुझे एक उत्तम पुत्र का वरदान देता हूँ। इस पुत्र के द्वारा तुझे अत्यंत दुख भी होगा, फिर भी तुम भगवान की आराधना मत छोड़ना, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की भक्ति चाहे सकाम हो या निष्काम, कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह 5 तत्वों का बना हुआ भौतिक शरीर कभी भी पानी में बुलबुले के समान नष्ट होने वाला है। इस पर अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान की आराधना करने से ही जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान की सेवा से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। यही संसार का मुख्य सार है। मैंने तुझे एक सुंदर सर्वगुण संपन्न पुत्र का वरदान भगवान की आज्ञा से दे दिया है। अब तुम पत्नी के सहित सांसारिक वातावरण में रहकर भगवान का चिंतन और सेवा करते रहो, उसी से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे।
इस प्रकार वरदान देकर गरुड़ सहित भगवान बैकुंठ को चले गए। वह ब्राह्मण सुदेव अपने पत्नी के सहित आश्रम में आकर पहले की तरह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की पत्नी भगवान के वरदान के अनुसार गर्भावस्था को प्राप्त हुई। वो 9 मास व्यतीत होने पर उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया। अत्यंत सुंदर और सभी लक्षणों से युक्त ऐसे पुत्र को प्राप्त कर पति पत्नी दोनों को महान आनंद हुआ। ब्राह्मण सुदेव ने यथासमय विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का जात कर्म संस्कार किया और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को वस्त्र पात्र दक्षिणा दिया और याचक गरीबों को भी दान देकर संतुष्ट किया। 12वें दिन ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले विद्वानों के द्वारा बालक का नामकरण संस्कार करके सुखदेव ऐसा नाम रखा गया। वह बालक सुखदेव अपने माता पिता की सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे बालक के अंग प्रत्यंग सुंदर और बलवान होते लगे। अपने उम्र के बालकों के साथ वह बाल क्रीड़ा में आनंदित रहने लगा। उस बालक को देख देख कर माता पिता हमेशा आनंदित होते थे। 5 वर्ष बीतने पर उसको अक्षर आरंभ करा के विद्याध्ययन कराने लगे। वह बालक विद्याध्ययन में अत्यंत प्रवीण होकर अनेक विद्याओं को सीखने में तत्पर रहने लगा। अब 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ तब ब्राह्मण सुदेव के मन में बालक के यज्ञोपवीत संस्कार करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। इसी प्रेरणा से उसने शुभ मुहूर्त देखकर योग्य विद्वान ब्राह्मणों ने बालक सुखदेव को गायत्री मंत्र का उपदेश देकर उसका संस्कार करा दिया। इस संस्कार में भी सुदेव ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा तथा याचकों को भी बहुत सा दान देकर संतुष्ट किया। इस संस्कार के प्रभाव से बालक के शरीर में सूर्य के तेज से तेजस्विता उत्पन्न होकर शरीर अत्यंत प्रखर होकर बढ़ने लगा। बालक को वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास भेजने लगे। बालक कुशाग्र बुद्धि होने से शीघ्र ही वेद पाठ में प्रवीण होने लगा। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। बालक की दिनचर्या को देखकर ब्राह्मण पति पत्नी अपने आप को भाग्यशाली और धन्य समझने लगे। इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। ऐसे ही एक दिन उस ब्राह्मण के आश्रम में देवल नाम के ऋषि का आगमन हुआ। उनको देखकर सुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उनको नमस्कार कर आदर सहित पाद्य अर्घ्य देकर उत्तम आसन पर विराजमान किया। उसी समय बालक सुखदेव ने भी आकर मुनि के चरणों में नमस्कार किया, दंडवत नमस्कार किया। बालक को सुभाषी देते हुए ऋषि ने उसको अपने पास बैठाया और उसको प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण सुदेव से कहते हैं, हे सुदेव, तू धन्य है जो तूने सभी सुंदर लक्षणों से युक्त ऐसे बालक का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया। बुद्धि में प्रखर, वेद विद्याधन में प्रवीण ऐसे बालक शायद ही कहीं देखने में आते हैं। इस प्रकार बालक की प्रशंसा करते हुए ऋषि बालक के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण सुदेव, इस बालक का सुंदर और पुष्ट शरीर, घुटने तक लंबी भुजाएं, कान तक लंबे नेत्र, शंख के समान कंठ, स्निग्ध और काले घुंघराले बाल, ऊंचा वक्षस्थल, पुष्ट कंधे, हास्य मुख, इन सभी लक्षणों से संपन्न ये बालक हैं। परंतु एक ही कुलक्षण का संकेत इसकी हस्तरेखा में है जो तुम्हारे लिए महान दुखदायी है। इसके सामने सब सुलक्षण व्यर्थ होंगे। दीर्घ श्वास छोड़ते हुए ऋषि कहते हैं, हे सुदेव, यह बालक अति अल्प आयु वाला है। 12वां वर्ष की आयु में यह पानी में डूबने से मृत्यु को प्राप्त होगा। परंतु तुम अपने मन में दुख मत करो, जो होने वाला है वह होकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कहकर देवल ऋषि वहाँ से निकल गए। ऋषि के जाने पर उनके शब्दों को याद कर ब्राह्मण पति पत्नी दोनों अति दुखी दुख से मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद होश आने पर पुत्र को गोद में लेकर प्यार करके दुख ब्राह्मणी पति से कहती हैं, हे प्राणनाथ, धीरे धारण करें, जो होने वाला है उसके विषय में सोचना व्यर्थ है। बड़े बड़े देवताओं को भी समयानुकूल दुख और कष्ट भोगना पड़ा है। महान पराक्रमी दैत्यराज बलि, हिरण्याक्ष, वृत्रासुर, कार्तिवीर्य जैसे राजाओं को भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा तो मनुष्य की क्या शक्ति है जो रोक सके। जय जय श्री अधिक मास मातम्य सार ब्रह्म नारदीय पद्माधारे 7वां अध्याय परिपूर्ण। शुभम भवतु। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।